सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A51 2020 में क्वार्टर वन और क्वार्टर टू और यहां तक कि क्वार्टर थ्री में वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन बन गया था। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 था एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वहां पर आप लोगों का अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। फ़ोन काफ़ी स्लिम था, 4000 mAh का बैटरी सैमसंग ने दिया था, इसलिए फ़ोन स्लिम था। 4000 mAh का बैटरी आप लोगों को दिया था लेकिन फ़ोन स्लिम था, उसके कारण फ़ोन का जो लुक था वो भी काफ़ी अच्छा आया था। और A51 था उसमें हर एक चीज़ सैमसंग ने बैलेंस दिया था, कैमरा आपको बैलेंस मिल जा रहा था, अच्छा था डिस्प्ले, 6.5 inches का 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिला था वो भी काफ़ी अच्छा था। 4000 mAh का बैटरी था, एक्जोनस का 9611 का आप लोगों को SoC मिल रहा था। और सैमसंग के इस रेंज में जो कुछ एडिशनल फीचर्स आप लोगों को मिलता है वो तो आप लोगों को मिल ही रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग सैमसंग गैलेक्सी A51 को बाय किए और आज के टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं। और अब उनके मन में एक ही क्वेश्चन है कि भाई हमारे स्मार्टफोन में A51 में एंड्रॉयड 12 का अपडेट कब आएगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 को ऑलरेडी एक मेजर अपडेट मिल चुका है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, उसके बाद सैमसंग ने इसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट दिया और अब एंड्रॉयड 12 आ रहा है जो कि सैमसंग के One UI 4.0 के साथ। तो अब हमारे मन में एक ही क्वेश्चन है कि भाई हमारे स्मार्टफोन में कब आएगा। तो अगर आप लोग सैमसंग के स्मार्टफोन बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं और अगर आप लोग सैमसंग को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि सैमसंग सबसे पहले अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स को ही अपडेट देता है। मतलब सैमसंग का जो अपडेट शेड्यूल है वो कुछ इसी तरह से, सबसे पहले वो अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स को देगा, उसके बाद सैमसंग अपने ए सीरीज को देगा, फिर एम सीरीज को देगा, फिर एफ सीरीज को देगा। तो दिसंबर का मंथ सैमसंग के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में ही जाने वाला है, मतलब सैमसंग सभी अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को जो एलिजिबल है एंड्रॉयड 12 के लिए उनको देगा। उसके बाद जनवरी में जो 2021 में सैमसंग ने अपने ए सीरीज के अंदर स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है उनको मिलेगा। और जनवरी के एंड में जो A51 है, A71 है, जो 2020 में सैमसंग ने ए सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है उसको जाके मिलने वाला है एंड्रॉयड 12 और सैमसंग के One UI 4.0 का अपडेट। तो आप लोगों के लिए, आप लोग कम से कम इतना वेट करना पड़ेगा, जनवरी तक आप लोगों के लिए वेट करना पड़ेगा। और सैमसंग गैलेक्सी A51 में ये एक सेकेंड मेजर अपडेट होगा, इसके बाद और एक अपडेट सैमसंग इस स्मार्टफोन में देने वाला है, यानी कि दो मेजर अपडेट सैमसंग दे देगा। मतलब ये इसको लेने के बाद और एक मेजर अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में टोटल 3 मेजर अपडेट मिलने वाला है और 4 साल तक OTA अपडेट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आप लोग लंबे समय तक अगर कोई भी फ़ोन लेने का सोचते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपके स्मार्टफोन में सैमसंग 2-3 साल तक 4 साल तक यहाँ पर अपडेट देते रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।